जय हिंद दोस्तों। दोस्तों चीनी फाइटर जेट्स ने भारतीय सैनिकों के करीब भरी उड़ान, भारत ने जताया सख्त विरोध और वांग यी से मिले एस जयशंकर। विदेश मंत्री ने टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पर दिया जोर। वहीं भारत के इस कदम से भर रहा रूस का खजाना, 3 महीनों में बना रिकॉर्ड। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों चीनी एयरफोर्स के एक फाइटर जेट ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूर्वी लद्दाख सेक्टर में विवाद वाले क्षेत्र के बहुत करीब से उड़ान भरकर माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। चीन की इस हरकत पर इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत विरोध दर्ज कराया है। सोर्सेस के मुताबिक ये घटना जून के आखिरी हफ्ते में एक दिन पहले सुबह लगभग 4 बजे हुई थी। इस फाइटर जेट को यहां तैनात सैनिकों ने देखा और सीमा क्षेत्र में तैनात स्वदेशी रडार ने भी इसे पकड़ा था। सोर्सेस के मुताबिक पोटेंशियल एयर स्पेस के उल्लंघन का पता चलने के तुरंत बाद इंडियन एयरफोर्स तुरंत एक्टिव हो गई। ये घटना ऐसे समय में हुई जब चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख सेक्टर के सीमा से लगे क्षेत्रों में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सहित अपने फाइटर जेट और एयर डिफेंस वेपन से जुड़े प्रैक्टिस कर रहा था। चीनियों के पास बड़ी संख्या में फाइटर जेट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, जिन्हें इंडियन टेरिटोरी के पास स्थित पोस्ट पर तैनात किया गया है। इसमें होतान और गारगोन्सा में मेजर एयरफील्ड शामिल है, जिसे पिछले 2 सालों के दौरान हाईली एडवांस किया गया है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थर्सडे को अपनी चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर सभी पेंडिंग इश्यूज के जल्द समाधान पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में टकराव वाले मेन जगहों से सैनिकों की वापसी के प्रोसेस को पूरा करने की जरूरत से अवगत कराया। दोनों विदेश मंत्रियों की 1 घंटे तक चली बैठक में जयशंकर ने वांग से कहा कि दोनों देशों के संबंध म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट पर बेस्ड होने चाहिए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उनकी यह मुलाकात बाली में G20 ग्रुप के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में हुई। जयशंकर ने द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल व इष्ट की बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों के बीच बनी समझ का पूरी तरह से पालन करने के महत्व को भी दोहराया। उनकी यह मुलाकात वांग के भारत दौरे के करीब 3.5 महीने बाद हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर फ्राइडे को तड़के सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों की कार्यवाही में एक आतंकवादी मारा गया, जबकि एक जवान शहीद हो गया और ऑफिसर्स ने ये जानकारी दी है। दोस्तों ऑफिसर्स ने बताया कि उत्तरी कश्मीर जिले के करनाह सेक्टर के गुरान नाला अमरोही में LOC के पास घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। मौके से एक AK राइफल, 3 AK मैगजीन, 200 AK कार्टरेज, 3 पिस्तौल, 4 पिस्तौल की मैगजीन और 4 हथगोले बरामद किए गए हैं। साथ ही ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं यूक्रेन वॉर के बाद से चीन और भारत को तेल बेचकर रूस ने सिर्फ 3 महीनों में $24 अरब की कमाई की है। लेटेस्ट डाटा के मुताबिक चीन ने रूस का तेल, गैस और कोयला खरीदने के लिए मात्र 3 महीनों में $18.9 अरब खर्च किया है। ये संख्या 1 साल पहले की तुलना में लगभग दोगुनी है। मार्च से मई 2022 में ही भारत ने रूस का तेल और दूसरे फ्यूल खरीदने में $5.1 अरब खर्च किया है, जो कि 1 साल पहले की तुलना में 5 गुना से ज्यादा है। रूस ने इन 3 महीनों में भारत चीन से पिछले साल की तुलना में $13 अरब ज्यादा कमाया है। चीन और भारत की ओर से रूस के तेल और दूसरे फ्यूल पर इस खर्च से रूस को काफी फायदा पहुंचा है। यूक्रेन पर हमले की वजह से अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने के लिए जो प्रतिबंध लगाए थे, उस नुकसान से उबरने में चीन और भारत ने काफी मदद की है। पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से तेल के दाम बढ़े हैं, जिससे महंगाई में इजाफा हुआ है। इससे कई मेजर इकोनॉमिक्स के मंदी में जाने का जोखिम बना हुआ है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की लीड एनालिस्ट लॉरी माइल वेटे ने बताया कि चीन पहले से ही रूस से वह हर जरूरी सामान खरीदता रहा है, जिसे वह पाइपलाइन या बंदरगाहों से एक्सपोर्ट कर सकता है। लॉरी माइल वेटे यूक्रेन वॉर के बाद से रूस की फ्यूल सप्लाई को ट्रैक कर रही थी। उनका कहना है कि भारत अटलांटिक महासागर से पोत के जरिए तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और पिछले साल की तुलना में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा है। यहां तक कि रूस खरीदारों को अट्रैक्ट करने के लिए तेल पर छूट भी दे रहा है और जून में चीन में तेल का इंपोर्ट बढ़ा है। भारत ने भी रूस के तेल पर प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीदना जारी रखा। साथ ही भारत अपकमिंग मंथ में रूस के तेल का इंपोर्ट बढ़ा सकता है, क्योंकि साल के अंत में रूस के तेल पर यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं। प्रतिबंधों के बाद से यूरोपीय देशों में तेल की खरीद कम हो रही है और रूस ने कुछ यूरोपीय देशों में गैस की सप्लाई भी बंद कर दी है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद जय भारत।